आपके पास जो भी काम है वो डे बाय डे अपनी कॉपीज के साथ साथ कंप्लीट कर लेना, एंड प्लीज लास्ट जब परचेज नहीं करें और अगर अपने बुक्स परचेज कर लो ताकि आपके पास आपकी स्टडीज में आपको डिफिकल्टी नहीं। ठीक है क्लास, अपने बुक्स परचेज कर लो, अपना काम साथ साथ अपना करते चलो, काम पेंडिंग ना हो, नहीं तो आप लोगों के पास बहुत सारा काम हो जाए। ठीक है क्लास, सो आज हम क्लास में करेंगे एक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये चैप्टर मैं आपको बाद में करूंगी, सो आज हम ये चैप्टर करते हैं। चैप्टर आपको उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। अगर आपके गंदे मार्क्स भी है तो आपको थोड़ा सा डांटेंगे कि आपने पढ़ाई
लड़ाई कितनी करी, आपने यहाँ गलती करी, पर आपको प्यार तो तब भी करती है ना। तो मदर आपको लविंग यू, माँ एक ऐसी चीज है जो आपको प्यार करती है, आप चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो चाहे जैसे भी हो, बट आप अपनी मदर के लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। मदर आर फॉर शेयरिंग व्हाट एवर मेक्स यू ग्लैड। मम्मा आपको हर वो चीज आपके साथ शेयर करती है जो आपको खुशी देती है। ग्लैड का मतलब खुशी देना, ठीक है। देखो पीछे भी है हैप्पी, हैप्पी ग्लैड का मतलब खुश होना। मदर आपके साथ, आपकी मम्मा वो हर चीज आपके साथ शेयर करती है जो आपको खुशी दे, जिससे आप बहुत खुश हो सको, जिससे आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ सके, जिससे आप मतलब जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आ सके और आपकी मदर को भी बहुत खुशी हो आपको वैसे हंसता हुआ देखकर। मदर आर फॉर लाफिंग एट योर फेवरेट जोक्स। आपकी मदर आपके जोक्स में भी हंसती है, चाहे आपकी मम्मा को हंसी आए ना आए, मगर वो आपको खुश देखने के लिए, क्योंकि वो आपसे इतना ढेर सारा प्यार करती है और आपको खुश देखने के लिए वो आपके फेवरेट जोक, मतलब जो आपके मन पसंदीदा जोक है, कोई भी जोक, उसपे भी बहुत हंसती है। मदर आर फॉर हेल्पिंग यू गेट ऑन विद अदर फोक्स। मदर आपको हेल्प करती है, आपकी मां करती है आपको इस दुनिया से, इस दुनिया को दिखाने के लिए। मतलब देखो क्लास में आप छोटे होते हो, आपको इतना नहीं पता होता, जब आप स्कूल आना स्टार्ट करते हो तो आपके धीरे 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 फ्रेंड्स बनते हैं, फिर अपनी मदर को बताते हो, अगर आपके फ्रेंड ने कुछ करा तब भी अपनी मदर को बताते हो। तो आपकी मदर आपको लोगों के साथ घुलने मिलने में हेल्प करती है। अगर आपका फ्रेंड आपके साथ कुछ गलत करता है तो आपकी मदर कहती है कि आप उसको अपने फ्रेंड को ऐसे समझाना कि ये आपने गलत किया, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मदर आर फॉर हेल्पिंग यू, हमारी माँ हमें हेल्प करती है गेटिंग ऑन विद अदर फोक्स, एक दूसरों के साथ कैसे घुलना मिलना है, लोगों के साथ कैसे अच्छे लोग और बुरे लोगों में आपको डिफरेंस बताती है कि मतलब अगर आप किसी गलत इंसान के साथ हो या किसी गलत इंसान के साथ में चले गए हो तो आपकी मदर आपको डिफरेंस बताती है कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। तो मदर आर गेट ऑन विद अदर फोक्स। सो क्लास इस बार में एक बार रीड करो, फिर हम लोग इसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। रीड करो क्लास। ओके क्लास, आगे कंटिन्यू करते हैं। मदर आर फॉर टेलीफोन्स व्हेन दे रिंग, मदर आर फॉर पुशिंग यू व्हेन यू आर ऑन स्विंग, मदर आर फॉर लविंग व्हेन
झूले होते हैं तो मदर हल्का हल्का झूला देती है ना, उसको हिंदी में पालना कहते हैं, उस पालने को हल्का हल्का झूला देती है ना कि बेटे बच्चा आराम से इंजॉय करे उस पालने में उस झूले में और आराम से सो जाए अच्छी सी नींद में। तो मदर आर फॉर वॉशिंग व्हेन यू आर ऑन अ स्विंग, आपकी माए होती है जो आपको झूले में झुलाती है, आपको इंजॉय कराती है और आपको झूले में बहुत ज्यादा क्या आता है मजा आता है। मदर आर फॉर लविंग व्हेन यू स्नगल सो टाइट, मदर आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है जब वो आपको गोद में उठाती है, जब आपकी मदर जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपकी मदर आपको गोद में उठाती है ना, प्यार करती है ना, पूछती है ना कि बेटा तू क्या खाएगा, ये बेटी तू क्या खाएगी, बच्चे आप क्या खाओगे, अच्छा यहाँ चले वहां चले, तो आपको पूछती है ना, आपको प्यार करती है ना, आपकी टेक केयर करती है ना। तो मदर आर फॉर लविंग व्हेन यू स्नगल सो टाइट, मदर आपको बहुत प्यार करती है जब वो आपको गोद में उठा के पकड़ती है और पूछती है, ठीक है। स्नगल का मतलब टू गेट इन टू अ कंफर्टेबल पोजिशन होल्डिंग समवन, आपको जब गोदी में लेती है तो बड़े प्यार से पकड़ती है, बड़े टाइटली पकड़ती है कि आप कहीं गिर ना जाओ, आपको कहीं लग ना जाओ। मदर्स आर फॉर किसिंग यू अ स्वीट एंड अ काइंड गुड नाइट, जब आप सो रहे होते हो क्लास, जब आप सारे बच्चे क्लास जब आप अपने बेड पे सो रहे होते हो तो आपकी मदर आके जो आपको सोता देखती है ना, आपकी मदर को सारी मौकों पर बच्चों में बहुत प्यार आता है, कितना अच्छा बच्चा है, कितना आराम से सो रहा है, ये नहीं किए तो मम्मी कोई पता ही टूटने के बाद क्या दवा चौकड़ी बचती है आप लोगों के घर में, आपको कितना परेशान करते हो, बट वो एक आप लोग खेलते हो परेशान करते हो वो तो सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो मदर आर फॉर किसिंग यू अ स्वीट एंड अ काइंड गुड नाइट, मदर आपको किस करती है, आपको प्यार करती है जब आप अपनी गुड नाइट में बड़ी अच्छी सी नींद सो रहे होते हो, बहुत प्यार से सो रहे होते हो, आपकी नाइट को अच्छा बनाती है, आपको सुलाती है, आपको प्यार करती है, आपको किस करती है ताकि आप आराम से रात को सो सको। मदर आर फॉर लविंग यू व्हेन यू आर गुड और बैड, मदर आर फॉर शेयरिंग व्हाटएवर मेक्स यू ग्लैड, मदर आर फॉर लाफिंग एट योर फेवरेट जोक्स, मदर आर फॉर हेल्पिंग यू गेट ऑन विद अदर फोक, मदर आपको बहुत सारा प्यार करती है चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, ठीक है। कभी ये तो नहीं ना कि आप बुरे हो तो आपकी मम्मा आपको प्यार नहीं करेगी, आपकी मम्मा आपको तब भी बहुत प्यार करेगी। मदर आर फॉर शेयरिंग व्हाटएवर मेक्स यू ग्लैड, मदर आपके से हर चीज को शेयर करती है जो आपको बहुत खुशी देती है, जिससे आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हो। मदर आर फॉर लाफिंग एट योर फेवरेट जोक, और मदर आपके उन फेवरेट जोक पे भी हंसती है जिसको आप बार बार अपनी मम्मी को सुनाते हैं। मदर आर फॉर हेल्पिंग यू गेट ऑन विद अदर फोक्स, और आपकी मम्मा आपको हेल्प करती है दूसरे लोगों से मिलने जुलने में, उनको उनकी पहचान बताने में कि कौन अच्छा है कौन कैसा है, आपने कैसे अपने फ्रेंड के साथ रहना है, या अगर आपकी फ्रेंड के साथ कोई बात होती है तो आपको गाइड करती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। मदर आर फॉर टेलीफोन व्हेन दे रिंग, मदर एक टेलीफोन की तरह है और वो हमेशा रिंग रहती है, मतलब वो आपका सारा काम करती है, आपका ध्यान रखती है, आपको हर चीज आपके टाइम पे याद दिलाती है कि आज आपका टेस्ट है तो आपने इसका प्रिपेयर करना है, कल आपने वहां जाना है, तो ईच एंड एवरी थिंग का आपका ध्यान रखती है। मदर आर फॉर पुशिंग व्हेन यू आर ऑन स्विंग, जब आप झूले पे होते हो तो आपकी मदर बड़े प्यार से आपको पुश करती है, आपको झूले देती है। मदर आर फॉर लविंग व्हेन यू स्नगल सो टाइट, जब आपकी मदर आपको बहुत प्यार करती है, जब आपको गोद में उठाती है, ठीक है, गोद में उठा के आपको टाइटली पकड़ती है, व्हेन यू स्नगल अप सो टाइट, और आप अपनी मदर को बहुत टाइट पकड़ते हो और आपकी मदर भी आपको बहुत टाइटली पकड़ लेती है कि आप कहीं गिर ना जाओ। मदर आर फॉर किसिंग यू अ स्वीट एंड काइंड गुड नाइट, और मदर आपको बहुत प्यार से किस करती है ताकि आपकी नाइट आपकी नींद बहुत अच्छी और आप आराम से सो सको। सो क्लास यहाँ तक रीड आउट करो, फिर आप आगे कंटिन्यू करो, ओके।
खोलो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़ लिया क्लास? चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मदर्स आर फॉर बेकिंग यम्मी पोते केक। मदर आर फॉर बेकिंग यम्मी पोते केक। तो कितने टेस्टी टेस्टी केक बनाते हैं आपकी मदर जब आपको पोते होता है क्लास। तो जब आपकी हर स्टूडेंट की मदर जब कि बच्चों का बर्थडे होता है तो घर में देखो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई पार्टी रखते हैं अपने बच्चों को हैप्पी रखने के लिए, और कोई मदर घर में टेस्टी टेस्टी सी चीजें बनाती है जो भी
भगवान ने माँ को बनाया है धरती पे कि उसका मुकाबला उसका कंपैरिजन किसी चीज से नहीं कर सकते। हाँ, उसकी कंपैरिजन उसका मुकाबला हम किसी चीज से भी नहीं कर सकते बिकॉज मदर आर एवरीथिंग फॉर अस। आपके फादर भी है, ऐसी बात नहीं है, फादर की पोजीशन बहुत अच्छी है बट मदर आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आपके फादर भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मगर एक माँ माँ का दिल होता है, पोएट ने ऐसा इसमें कहना चाहा है। ठीक है, तो मदर आर्ट्स और बेकिंग यम्मी बोलते के मदर आपके लिए क्या बनाती है, टेस्टी टेस्टी बोलते केक्स बनाती है ताकि आप लोग एंजॉय कर सको उन केक्स को और अच्छे से खा सको। मदर आर्ट्स और नर्सिंग यू व्हेन योर टम्मी एक्स और मदर आपको दवाई देती है जब आपके स्टमक में पेन होता है या आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है तो आपको मेडिसिन देती है कि हाँ बेटा ले लो और खा लो और आराम कर लो ताकि आपको जल्दी जल्दी आप ठीक हो जाओ। मदर आपको कटलिंग यू व्हेन यू हैव टू बीव, मदर आपको कटल करती है, आपको प्यार करती है जब आप रो रहे होते हो या किसी बात में गुस्सा कर रहे होते हो। वैसे मोस्टली आपकी मम्मा तब आपको गले लगाती है सबसे ज्यादा जब आप रो रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको उसे देख आपकी मदर भी नहीं देख सकती, तब जब आप रो रहे होते हो तो आपकी मदर आपको सबसे पहले गले लगाती है। मदर आपको कवरिंग यू व्हेन यू फॉल असलीप, जब आप सो जाते हो आपको ठंड लग ना जाए तभी आपकी मदर आपके ऊपर बेडशीट या आपको ब्लैंकेट से कवर करती है ताकि आपको ठंड ना लगे, आप ठीक ठाक रहो और आपकी तबीयत भी ठीक रहे। तो एक बार दोबारा रीड करो पूरी पोयम, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, रीड आउट कर लो क्लास। All of you, okay class.
शुभ रात्रि को गुड नाइट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम उसको शुभ रात्रि कहते हैं। ठीक है क्लास, नोट कर लो फिर आप ये। फर्स्ट इज लविंग, सेकंड, थर्ड इज बर्थ, फोर्थ इज पेज, फिफ्थ इज क्रिएशन, सिक्स्थ इज मदर, सेवेंथ इज फेवरेट, एट इज अर्थ, नाइन्थ इज स्विंग एंड टेंथ इज गुड नाइट। ओके, राइट इट डाउन क्लास, हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। लिख लिया क्लास, डन। ओके क्लास, थैंक यू।